हेलो गाइस, आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं आपदा के बारे में। मतलब आपदा क्या है, या फिर इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। और आज के इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। काफी आसान है, सिंपल है, तो जानने वाले हैं काफी सिंपल भाषा में। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लें। तो सबसे पहले आपदा के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपदा को आप सिंपल लैंग्वेज में एक दुखद घटना कह सकते हैं जो दुख देता है। इसका अगर आपको फुल डिटेल के साथ जानना है तो यहाँ पे देखिए, आपदा एक प्राकृतिक व मानवीय घटना है। मतलब आपदा प्राकृतिक भी होता है और मानव के द्वारा बनाया गया भी होता है, जो पर्यावरण को नकारात्मक मतलब कि बुरा प्रभाव डालता है पर्यावरण में। अब बुरा प्रभाव डालता है जिससे हमें दुख होता है, हमें काफ़ी जान माल का क्षति होता है। इससे बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारे जानवरों की जान चली जाती है और बड़े बड़े बिल्डिंग तूफान से गिर जाते हैं, भूकंप से गिरते हैं। इस प्रकार से ये चीज़ें हैं आपदा। अब बात करते हैं कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा के दो रूप होते हैं, एक है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। बात करते हैं आपदा के पहला प्रकार प्राकृतिक आपदा के बारे में। प्राकृतिक आपदा जो उत्पन्न होता है उसका कारण है पर्यावरण में असंतुलन और धरती के आंतरिक हलचल से उत्पन्न होता है प्राकृतिक आपदा। अब पर्यावरण में असंतुलन मतलब पर्यावरण में किसी प्रकार से खराब होने या फिर धरती के अंदर हलचल। तो धरती के अंदर जब हलचल होता है तो भूकंप आता है। तो प्राकृतिक आपदा उन आपदाओं को भी आप कह सकते हैं जिन पर मनुष्य का या फिर किसी भी जीव का किसी भी तरीके से कोई नियंत्रण नहीं होता है। इससे मनुष्य एवं अन्य जीव केवल अपना बचाव कर सकते हैं, जैसे कि बाढ़ को मनुष्य रोक नहीं सकता है, मनुष्य इससे बचाव कर सकता है। बाढ़ के लिए पानी बरसात जो होता है वो बराबर अपने तरीके से होते रहेगा, उसके लिए मनुष्य बांध के पानी को रोक कर रख सकता है, बांध बनाकर। और सूखा से भी मनुष्य रोक नहीं सकता है लेकिन उससे बचाव कर सकता है, पहले पानी रोक कर रखकर उसको बचाकर। इसी तरीके से भूकंप तूफान से भी मनुष्य सिर्फ अपना बचाव ही कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता है। अब बात कर लेते हैं मानव निर्मित आपदा के बारे में। देखिए, मानव निर्मित आपदा बिल्कुल प्राकृतिक आपदा के उल्टा है। प्राकृतिक आपदा प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न होती थी आपदाएं उनको कहते थे प्राकृतिक आपदा, लेकिन मानव निर्मित आपदा उन आपदाओं को कहेंगे जिनको उत्पन्न करने में मनुष्य का ही हाथ हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सड़क हादसा होता है, तो सड़क हादसे में उत्पन्न होने का कारण या फिर किसी भी इंसान के मरने का कारण वो खुद हो सकता है, या फिर किसी अन्य लापरवाही के कारण, इंसान की गलती के कारण अगर कोई घटना होता है तो वह मानव निर्मित आपदा है। इसी तरीके से अक्सर कहीं कहीं जगहों में लड़ाई हो जाता है, कहीं कहीं देशों के बीच में लड़ाई होता है, तो ये भी प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा है, क्योंकि इसमें इंसानों की ही हाथ होती है, इसमें इंसान अगर चाहे तो इसे रोक सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को आपदा क्या है या फिर आपदा के प्रकार जो भी हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा, आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।